जो संदेश मेरी लाडो कि तू ना आना इस देश मेरी लाडो जोगिंदर भैया, इस आदमी की सूरत देख के माथा घूम जा रहा है मेरा। जब देखो तब हाथ फैलाते रहता है, ऐसा खून खोल रहा है मेरा कि करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो इसका करना ही पड़ेगा। अरे शादी का घेर है गजेंद्र, खून जरा ठंडा रहा। चलिए भगवान की कृपा से सब अच्छी तरह से हो रहा है बेटा। और हाँ, तेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। आइए ना, आइए आइए, सब तुझे बहुत खुश रखेंगे। चलो बेटा आओ, आइए आइए। अच्छा जी, अब चलते हैं हम। अरे नहीं नहीं, बैठिए ना, थोड़ा सा शरबत पी कर जाइए। आइए आइए बैठिए, फिर कभी। माँ जी आइए ना, थोड़ी देर बैठिए। आइए बैठिए ना, आइए। बैठो बेटा। कितनी प्यारी है, जी भर आता है मेरा जब भी तुम्हें देखती हूँ। तुम भी किसी न किसी की बेटी तो होगी ना, ऐसा लगता है तुमसे तुम्हारा सिंदूर उधार मांग रही हूँ अपनी बेटी रंगीली के लिए। ये रंगीली है ना, बहुत ही रोई थी तुम्हारे लिए मेरे कंधों पे सर रखकर। मैंने उसे समझाया शादी के बाद तुम दोनों आपस में बहनों की तरह रहना, एक दूसरे के दुख बांटना। चल अब रोना बंद कर और उठ, जाकर इनके लिए शरबत ले आ। मेरी रंगीली को घर के काम काज का बहुत ही शौक है। हाँ, कुछ ना कुछ पूरे दिन काम करती रहती है और देखो ना सबको मदद करती रहती है। आप सबके साथ भी अच्छी तरह से घुल मिल जाएगी। और हाँ बेटा, तुम्हारे साथ तो बहन मन कर रहेगी, तुम चिंता मत करना है। इसे देखकर ऐसा लगता तो नहीं कि इसे कोई दुख है अपने पति के दूसरे ब्याह का। चेहरे पर तो अच्छी खासी लाली चमक रही है। कोई बात नहीं, आज पी लो हमारे हाथों से शरबत। ब्याह हो जाएगा ना, फिर इन्हीं हाथों से हम तुम्हें जहर भी पिलाया करेंगे। यह शादी ना रुकी तो चंदा की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। नहीं, इस बार ते अम्मा जी को कानून के आगे झुकना ही होगा। Thank you.
वो संतोष भाभी की मायके से कुछ चढ़ावा लेके आया है। संतोष के मायके थे? हाँ। तो भीतर ले आ। जी राम राम। राम राम भाई। तू भी ले ले जा। मैं विजय प्रकाश चौटाला। संतोष के भाई का दोस्त हूँ। अच्छा। वो तो आ नहीं पाया और मुझे इस तरफ आना था तो उन्होंने चढ़ावा भेजा जी मेरे यहाँ। बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें। इब जो हाथ पीसे गिनन में लाग रहे हो किसी ने आशीष देन को करा सके हैं। पर कोई रिश्ता निभाना जाने चाहे ना जाने मारी ओर तक कोई कसर नहीं रहेगी। संतोष इन्हें भीतर ले जा। मायके आला का खास ध्यान रखना चाहिए। चाय नाश्ते का इंतजाम करो। जा भाई। अरे झूमर वहां खड़ी हो अंदर चल। अरे गीत क्यों बंद कर दिए? गाओ गाओ। सेल गले दांगी बाजन दे मेरा नाड़ा चुंदड़ मेरा भारा दूर का जाना चुंदड़ मेरा भारा दूर का जाना मैं सेल गले। यो से तेरा कमरा। अपने आदमी से कब मिलवाओगी? ब्याह के कामों में उलझे होंगे ना, आएंगे तो मिलवा दूंगी। हाँ ब्याह के घर में। तेरे बालक नहीं दिख रहे कित हैं? वो मठ के कामों में व्यस्त रहे हैं ना, इसलिए संतान के बारे में सोचा ना है अब तक। बैठो मैं चाय ला। संतोष चाय पीने का मन को नहीं मेरा। मैं कुछ खाने को लाती हूँ थारे। देख खाना मैं खा के आया हूँ पर खाना पीना होता रहेगा। तू बैठ ना बात करनी है। तो बहुत बड़ी है तेरा। हाँ, बढ़िया तो है। संतोष देख मेरा हक तो कोनी बनता लेकिन साची साची बता तू आड़े राजी से? राजी? राजी रहने के लिए जो सामान चाहिए वो सब है। क्यों तुम्हें कमी लग रही है? कोई कमी? कमी तो मेरे में रहेगी। उस वक्त मैं तेरे घर वालों को विश्वास दिला पाता जिनको हमेशा मैं निकम्मा लग गया। उनको लगता था मेरा कोई भविष्य है को नहीं।
उस समय वे मान गई होते तो आज आज हम दोनों साथ होते, हम दोनों शायद खुश भी होते। ये पुरानी बातें सोच के कोई फायदा ना है। कल ब्याह है, रुकोगे ना? ना ना, मैं तो पड़ोस के गांव में काम तो आया था, सोचा तेरे तभी मिलता चलूं, थोड़ी देर में निकलूंगा। ठीक है, पर ही भाई हो तो कुछ खा के तो जाओ। इतना बखत हो गया लेकिन तू बदली को नहीं, बिना खिलाए पिलाए तेरा जी नहीं मानता। लिया जो तेरा जी करे मैं खा लूंगा।